हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकिताज चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया। मैं भी बढ़िया। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो आज हम बनाएंगे सिंधी स्पेशल जवार की रोटी। इसको सिंधी में कहते हैं जुअर का डोडा। यस, जवार की रोटी बनाएंगे। तो ये जो है ये विंटर स्पेशल है और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो जवार की रोटी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है, मैंने जवार का आटा ले लिया है। इससे लगभग दो रोटियां बन जाएंगी। उसके बाद ऑयल, मैंने आधा प्याज काट लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और स्प्रिंग गार्लिक यानी कि हरी लहसुन ले ली है। और उसके बाद पानी चाहिए जिससे हम आटे को नीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम जवार की रोटी बनाना। ओके, तो अब हम मिक्सर में, मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसमें हम हरा धनिया और हमारी ग्रीन गार्लिक जो थी वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे उसको। उसके बाद हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको एक अभी मैं चर्न कर दे रही हूँ। ओके, तो अब मैंने इसको पीस लिया है मिक्सर में। ऐसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए आप इस तरीके से। ओके, तो अभी हम गून लेंगे हमारे इस आटे को। तो इसमें अब पहले हम डालेंगे अराउंड हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और ये जो मैंने हाफ प्याज लिया था उसमें से भी हाफ कर लिया प्याज को, वो डाल देंगे। और ये हमारा जो मिक्सचर था वो डाल देंगे पूरा, जो मैंने अभी पीस लिया। इसमें डाल देंगे ऑयल, आप पहले इसको ऑयल से भूनेंगे, ऑयल से नीट करेंगे अराउंड 2 टीस्पून ऑयल। तो इस तरीके से हम भूनेंगे इसको। और इसके बाद हम पानी डाल देंगे इसमें ज़रा सा। एंड इस तरीके से हम इसको नीड करेंगे। ये ऑलमोस्ट अभी हमारा नीड होने की पोजीशन पे है। इस तरीके से हम इसको मसल कर नीड कर लेंगे। लास्टली इसमें मैं थोड़ा मिक्सचर जो था हमारा वो और ऐड कर दूंगी। इन द मीन टाइम हमारा आटा नीड हो रहा है, मैंने यहाँ पर स्किलट रख दिया है। और हम कैसे, जैसे अगर नॉर्मली चपाती बनाते हैं, कुकी बनाते हैं, तो हम इनको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं आटे को। बट इस रोटी में, जवार की रोटी में ऐसा नहीं करना है, इमीडिएटली हमें बनाती जानी है रोटियां। अभी हम ये बेलना शुरू करेंगे। नॉर्मली जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे नहीं बेलते हैं, इसे हम रोलिंग पिन से नहीं बल्कि इसे हम हाथ से, बटर पेपर नीचे रख दिया है मैंने, इस तरीके से हम इसको रोल करते जाएंगे। याद रहे, रोलिंग पिन से नहीं, हाथ से ही बनाएंगे, क्योंकि ये कैसा होता है ना, नरम होता है, तो हम रोलिंग पिन से इसको नहीं बनाते हैं। तो एकदम हल्के हाथों से, अब मैंने स्किल्ट को थोड़ा ऑयल लगा दिया था, हल्के हाथों से हम इसको हमारे जवार की रोटी को ऐसे डाल देंगे। फ्लेम मैंने हाई रखा है। अब सेम प्रोसीजर मैं सेकंड पे भी कर रही हूँ। इस तरीके से अगेन हम इसको हाथों से, अपने हाथों के उंगलियों से इसको रोल करते जाएंगे। और अगेन मैंने स्किल्ट का फ्लेम ये टाइम पे लो कर दिया है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अगेन ऑयल लगाकर इसको, ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, ज्यादा हाई पे भी नहीं, हाई स्टार्टिंग में किया था, ज्यादा लो पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे हम। इस तरीके से हमने पलट लिया इसको एंड अगेन इस पे हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। इन पे जल जाएगी हमारी जवार की रोटी, तो मीडियम फ्लेम ही करें, ध्यान दें इस बात का आप। ये काफी सिंधी कम्युनिटी का एकदम पॉपुलर एक रेसिपी है। हर सिंधी घर में विंटर सीजन में स्पेशली जवार की रोटी बनाई जाती है। इसको जुअर का डोडा कहते हैं इन सिंधी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जैसे हम चपाती को बार बार हम पलट लेते हैं, तो वैसे जवार की रोटी को ऐसे बार बार नहीं पलटेंगे हम, ऑल्टरनेटिवली पलटेंगे।
बनकर रेडी हो चुका है हमारा एक जवार की रोटी, जवारी रोटी। अगला हमारा जो मैं सेकंड बना रही हूँ वो ऐसे तवे पे ही आपको बनाकर दिखाते हैं। पहले ऑयल डाल दिया, उसके बाद उसको आप स्किल्ट पे ही इस तरीके से, ये है थोड़ा रिस्की, आपको अपने हाथ का ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से हम तवे पर ही इसको बेल लेंगे अपने हाथों के मदद से। देखिए इस तरीके से, जब तक हमारा तवे पर ये बन रहा है तो मैं आपको दूसरा एक बेल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको बेल देंगे, हल्के हाथों से आप इसको और बेल देंगे चारों बाजू से। हमारा सेकंड जवारी रोटी भी बनके रेडी होने की पोजीशन पे है। आपको जो एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स की मात्रा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूंगी, आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि दो जवार की रोटियां निकलेंगी बट यहाँ पर तीन निकल गई, तो इसलिए एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स की मात्रा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बनकर रेडी हो चुका है हमारी जवार की रोटी, इस तरीके से हम इसको बाहर निकालें। तो ये रेडी है हमारी जवार की रोटी, इसको आप दही के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं। हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी, आप चैनल पे देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारी जवार की रोटी रेडी है, आप भी बनाइए, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए कैसा रहा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक ऑप्शन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।